गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल कुमार चौधरी, लेक्चरर इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़। टुडे आई विल डिस्कस स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड द टॉपिक इज फॉल्ट। फॉल्ट इज, व्हाट इज फॉल्ट? फॉल्ट हम किसको बोलते हैं? जब हमारा कोई भी नॉर्मल बेड पे अगर उसका कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल बेड का अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसको फॉल्ट बोलते हैं। जैसे ये मेरा नॉर्मल बेड है, अब नॉर्मल बेड में क्या होगा, ये फॉल्ट होने का कारण होता है हमारा एक कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस एंड टेंशनल स्ट्रेस। अगर इसके ऊपर कुछ टेंशनल स्ट्रेस होता है या कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस, तो ये क्या होते हैं कि हमारे यहां से ब्रेक कर जाते हैं और एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में ये मूव करते हैं। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में मूव करने से क्या होता है, ये मेरा रॉक बेड कुछ इस तरह से बन जाता है, जिस वजह से इसके हम कुछ नाम देते हैं। जैसे हमारा ये F और F, ये क्या है, एक फॉल्ट प्लेन है जिसमें ये बेड मेरा रिलेटिव डिस्प्लेस किया। ये है FW means फुटबॉल, HW means हैंगिंग बॉल। अब इसका नाम फुटबॉल, इसका नाम हैंगिंग बॉल है, और ये हैंगिंग बॉल इधर और फुटबॉल इधर क्यों है, क्योंकि अगर ये मेरा फॉल्ट प्लेन है, फॉल्ट प्लेन के अबव साइड जो मेरा बेड होता है उसको हम बोलते हैं हैंगिंग बॉल, और बिलो साइड जो फॉल्ट प्लेन के होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुटबॉल। तो इसमें अब क्या है कि इसमें हम नेमिंग किए हुए हैं ए, सी एंड बी, ठीक है। तो ए और सी जो है ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एपरेंट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, उसका एक हाइट है जिसको हम लोग थ्रो बोलते हैं, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सी एंड बी उसको हम लोग बोलते हैं हीप। और हेड क्या होता है, हेड जो है ये मेरा 90 माइनस डी, मतलब इसमें इसका जो डीप है उसमें हम 90 को माइनस कर देंगे, 90 डिग्री को, उसके बाद जो मेरा रेस्ट अमाउंट बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेड। और ये जो मेरा पार्ट है वो है मेरा नेट स्लीप। नेट स्लीप मीन्स कि ये बेड मेरा स्लीप होके यहां तक आया तो उसका एक परफेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं नेट स्लीप, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ये फुटबॉल है, ये हैंगिंग बॉल है, इसमें इतना पोर्शन मेरा नेट स्लिप हुआ। ए और सी मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है फॉल्ट का, तो उसको हम लोग थ्रो बोलते हैं। सी एंड बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फॉल्ट प्लेन का, तो उसको हम लोग हीप बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। फॉल्ट को हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ एपरेंट मूवमेंट और पोजीशन ऑफ हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल, मतलब हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल के पोजीशन पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे नंबर ए, हम इसको लिख देते हैं बेस्ड ऑन एपेरेंट मूवमेंट ऑफ फॉल्ट। तो इसमें दो तरह के हमारे फॉल्ट होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल फॉल्ट एंड अनदर वन इज रिवर्स फॉल्ट। तो नॉर्मल फॉल्ट होते हैं कि जब हमारा नॉर्मली फुट वॉल जो है बिलो द फॉल्ट प्लेन रहेगा एंड अबव द फॉल्ट प्लेन साइड हैंगिंग वॉल रहेगा तो हमारा रहेगा नॉर्मल फॉल्ट, और जस्ट अपोजिट अगर हमारा फुटबॉल अबव द फॉल्ट प्लेन एंड बिलो द हैंगिंग वॉल रहेगा फॉल्ट प्लेन के, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल नंबर ए नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट में हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ये हो जाएगा फुटबॉल एंड ये हो जाएगा हैंगिंग बॉल। जैसा कि हम लोग टर्मिनोलॉजी में देखे थे फॉल्ट प्लेन में कि बिलो साइड हमारा फॉल्ट प्लेन था फुटबॉल एंड अबव साइड था हैंगिंग बॉल, तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल फॉल्ट। और रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा, इसी के जस्ट अपोजिट, मींस फुटबॉल हैंगिंग बॉल हमारा अप थ्रोन साइड हो जाएगा और डाउन थ्रोन साइड हमारा फुटबॉल हो जाएगा। रिवर्स फॉल्ट, तो रिवर्स फॉल्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो गया हमारा हैंगिंग बॉल एंड
below side foot wall. Just opposite, simple है. जैसे हमारा normal fault था, उसी के just opposite हमारा reverse fault हो जाएगा. तो ये था हमारा based on apparent movement of fault. Fault का जो apparent movement होता है, उसके base पे हमारा normal fault और reverse fault था. अब हम करेंगे based on the net slip. अब हम लोग देखेंगे based on net slip. नेट स्लिप हमारा फॉल्टिंग में जो स्लिप हुआ है उसके बेस पे. तो एक हमारा होता है डीप स्लिप फॉल्ट और अनदर वन इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. तो डीप स्लिप फॉल्ट में हम क्या देखेंगे कि हमारा एक बेड जो कि डिस्प्लेस हुआ अनदर बेड के रिलेटिव मूवमेंट में, तो उसमें कितना हमारा डीप वो अलोंग डीप वो स्लिप किया. तो यहां पर हमारा ऑलमोस्ट 90 डिग्री डीप स्लिप ये पोर्शन में हमारा हुआ है. और ये था डीप स्लिप मींस फॉल्ट जो हमारा रिलेटिव मूवमेंट हुआ अलोंग डीप, डीप के अलोंग में हमारा रिलेटिव मूवमेंट हुआ है. और इसमें क्या है स्ट्राइक स्लिप. तो ये जो मेरा फॉल्ट है वो मूवमेंट हुआ है स्ट्राइक के अलोंग में, इस वजह से यहां पर जो नेट स्लिप आएगा मेरा जीरो डिग्री आएगा बिकॉज ये डीप के अलोंग में हुआ नहीं है और इसमें जो भी मूवमेंट हुआ है अलोंग स्ट्राइक. तो स्ट्राइक के अलोंग होने की वजह से ये मेरा नेट स्लिप यहां जीरो आया और ये बेड का मूवमेंट मेरा स्ट्राइक के अलोंग में हुआ है. बेस्ड ऑन नेट स्लिप में हम डीप स्लिप फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को देखें. और लास्ट है ऑब्लिक और डायगोनल फॉल्ट. तो ऑब्लिक और डायगोनल फॉल्ट क्या होगा, मतलब फॉल्ट का जो मेरा मूवमेंट हुआ है वो डायगोनली हुआ है. एक था डीप स्लिप फॉल्ट. डीप स्लिप फॉल्ट में क्या था हमारा 90 डिग्री में डीप के अलोंग मूवमेंट कर रहा था. स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या था हमारा स्ट्राइक के अलोंग वो मूवमेंट कर रहा था. बट डायगोनल फॉल्ट में क्या है कि ये डायगोनली मूवमेंट कर रहा है. इसका जो मूवमेंट है एक बेड का दूसरे बेड के साथ जो रिलेशन है वो डायगोनली है, ये डायगोनल स्लिप फॉल्ट है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट पैटर्न. अब फॉल्ट पैटर्न के बेसिस पे हम लोग उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं. तो नंबर वन है हमारा पैरेलल फॉल्ट. पैरेलल फॉल्ट में क्या है कि हमारा जो फॉल्ट का डेवलपमेंट है वो पैरेलली, वो एक वन फॉल्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉल्ट. तो ये क्या है इसके पैरेलली ये डिस्प्लेस होते जा रहा है बेड. तो इस बेड को हम लोग, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पैरेलल फॉल्ट, क्योंकि हर फॉल्ट जो है एक पैरेलली डेवलप करते जा रहा है. सेकेंड है स्टेप फॉल्ट. स्टेप मींस स्टेयर लाइक. स्टेयर लाइक जस्ट ये स्टेयर लाइक फॉल्ट का डेवलपमेंट करता है. वन ब्लॉक थ्रस्ट किया अनदर इससे डाउनवर्ड, उसके बाद इसके डाउनवर्ड नेक्स्ट सो ऑन. तो ये क्या है स्टेयर लाइक फॉल्ट डेवलप करता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फॉल्ट. एंड नंबर थर्ड इज ग्रेवन. ग्रेवन एंड ड्रिफ्ट फॉल्ट. ग्रेवन मींस एक ग्रेवन फॉर्म करता है. और ये ग्रेवन जो हमारा एक फॉल्ट का डेवलपमेंट हुआ, ये एक बेड है, ये एक बेड है और मिडिल बेड क्या है वो थ्रस्ट कर गया है. मिडिल बेड जब मेरा डिस्प्लेस कर गया नीचे तो लाइक एक ग्रेवन का एक फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेवन फॉल्ट. नेक्स्ट वन इज हॉस्ट. दिस इज हॉस्ट फॉल्ट. हॉस्ट फॉल्ट मतलब ये क्या होता है एक हॉस्ट के तरह ये फॉर्म करता है. अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इस लाइन को तो ये एक हमारा ग्रेवन बन जाएगा. तो इस फॉल्ट को हॉस्ट एंड ग्रेवन को हम लोग ज्वाइंटली करके बोलते हैं हॉस्ट एंड ग्रेवन फॉल्ट. मीन्स this is a horse fault and this is a gravel fault, already gravel has formed. तो इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं horse and gravel fault. Means fault plane का जो movement है वो upward side हो गया and gravel में क्या है कि fault जो हमारा bed जो है वो downward thrust कर गया. तो इस fault को हम लोग बोलते हैं horse and gravel fault. And number last one is radial fault. Radial fault means radiate like fault. इसमें मेरा क्या होता है कि block का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक रिलेटिव मोमेंट में होता है और उसका टॉप व्यू अगर हम लोग देखें 3D देखें तो उसमें लगता है कि फॉल्ट हमारा रेडिएट कर रहा है, मींस एक बिखर रहा है फॉल्ट, रेडिएट कर रहा है. तो जैसे ये हमारा ब्लॉक है, इसका अपवर्ड साइड हो गया, ये डाउन हो गया, फिर अपवर्ड हो गया, ये जस्ट अल्टरनेट ये अप एंड डाउन फॉल्ट होते रहता है. और ये टॉप व्यू अगर इसका हम लोग व्यू किया जाए तो देखने में ये हमको लगता है कि ये रेडिएट कर रहा है फॉल्ट हमारा.
तो ये हमारा था रेडियल फॉल्ट, ये हमारा था हॉस्ट फॉल्ट। तो आज हम लोग फॉल्ट देखें, फॉल्ट का टर्मिनोलॉजी देखें, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट कैसा कैसा होता है और किस किस बेसिस पे होता है वो भी हम लोग आज देखें। तो लास्ट हमारा है रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्ट इन फील्ड। तो हमारा लास्ट वन क्या बचता है फॉल्ट में, फील्ड एविडेंस ऑफ फॉल्ट। हम लोग फील्ड में फॉल्ट को पहचानेंगे कैसे, फॉल्ट का टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ लिए, समझ गए हम लोग फॉल्ट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए, उसको भी समझ गए, बट उसको आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे फील्ड में। तो उसके लिए कुछ कुछ जैसे ये चार पॉइंट्स दिए हुए हैं फील्ड एविडेंस है, जैसे रिपीटेशन और ओमिशन ऑफ स्टार्ट, मतलब कोई भी रॉक बेड का रिपीटेशन कंटिन्यू हो या फिर ओमिट हो जाए, वो गायब हो जाए, तो उस जगह पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फॉल्टिंग हुआ है, जिस वजह से सडनली कोई बेड हमारा गायब हो गया या फिर कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग रिपीटेशन और ओमिशन ऑफ स्ट्राटा में जानेंगे। सेकेंड वन इज एब्रप्ट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ द स्ट्राटा। फॉल्ट प्लेन का जो स्ट्राटा है, स्ट्राटा का जो फॉल्ट प्लेन है उसका एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या होता है, डीप और स्ट्राइक। तो हम लोग कोई भी बेड का डीप और स्ट्राइक में सडनली वेरिएशन अगर हम लोगों को मिले, सडनली कोई भी बेड का हम लोग डीप मेजर करें या स्ट्राइक मेजर करें तो उसमें सडनली वेरिएशन मिले, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहां भी फॉल्ट हो सकता है, यहां भी फॉल्टिंग हुआ है। थर्ड वन इज स्ट्राटा आउट ऑफ स्टैटिग्राफिक सीक्वेंस। स्ट्राटा आउट ऑफ स्टैटिग्राफिक सीक्वेंस में क्या है कि हमारा जो स्टैटिग्राफिक सीक्वेंस है उसका रिपीटेशन हो जाता है, जैसे कोई भी बेड जो है हमारा नीचे थ्रस्ट कर गया, बट सेम एज का बेड और सेम फॉसिल जो वहां पर हमारा मिलते हैं वो अपसाइड में अभी हमको मिलते हैं, तो इससे हमको क्या लगता है कि उसके एज हम लोग देख करके पता करते हैं कि यहाँ पर हमारा फॉल्टिंग हुआ है, तो वो हमारा हो गया स्ट्राटा आउट ऑफ स्टैटिग्राफिक सीक्वेंस। एंड लास्ट वन इज ऑफसेट ऑफ रॉक यूनिट्स। ऑफसेट ऑफ रॉक यूनिट्स में क्या होता है, जैसा कि हम लोग अनकन्फर्मिटी में देखे थे कि रॉक बेड हमारा बीच में टाइम गैप हो जाता है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन होता है। इसमें होता क्या, कोई जो हमारा ओल्डर बेड है वो अपसाइड आ जाता है और न्यूअर बेड जो है हमारा डाउनसाइड चला जाता है, ये एक्चुअली ड्यू टू फॉल्टिंग ये हमारा पॉसिबल है, तो वहां पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हमारा यहाँ पर फॉल्टिंग हुआ है। तो आज हम लोग का फॉल्ट एंड होता है, फॉल्ट में आज हम लोग उसका टर्मिनोलॉजी देखें, फॉल्ट क्या होता है उसको हम लोग पहचाने, उसका क्लासिफिकेशन देखें, टाइप्स ऑफ फॉल्ट कौन कौन से टाइप्स होता है और किस किस बेसिस पे होता है, किसको किसको बेस्ड करके हम लोग उसको टाइप करते हैं, और लास्ट में हम उसका फील्ड एविडेंस भी देख लिए कि एक्चुअली हम सारा स्टडी तो कर लिए फॉल्टिंग का, बट उसको हम लोग फील्ड में कैसे पहचानेंगे कि कहां पर हमारा फॉल्टिंग हुआ है। तो उसके लिए ये चार पॉइंट्स हमारे हैं कि इसके बेसिस पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा फॉल्टिंग हुआ है। थैंक यू।